जय गुरुदेव, आज का ज्ञान सूत्र है तार्किक बुद्धि के परे। अधिकतर हम वही करते हैं जो उद्देश्यपूर्ण होता है, उपयोगी होता है और तार्किक होता है। तार्किक का अभिप्राय है कि जो ठोस विचारों पर आधारित हो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो बहुत कैलकुलेट करके किया गया हो। इसमें हम प्रायः अपने भावनाओं से दूर हो जाते हैं। जो कुछ भी हम देखते हैं वह तार्किक बुद्धि के द्वारा ही देखते हैं, परंतु एक अंतःदृष्टि, एक खोज और एक नया ज्ञान हमें तार्किक बुद्धि के परे ले जाता है। ये सब कुछ तार्किक बुद्धि के परे है, सत्य तर्क से परे है। तार्किक बुद्धि रेल गाड़ी की पटरी की तरह है, जो खांचों में स्थित है, जो अचर है, अपरिवर्तनशील है। सत्य को पटरी की जरूरत नहीं होती है। सत्य कहीं भी गुब्बारे की तरह बह सकता है, उड़ सकता है। कुछ व्यक्ति तार्किक बुद्धि से इसलिए बाहर निकलते हैं ताकि वह समाज से विद्रोह कर सके। वे सामाजिक, सांसारिक, पारिवारिक कानून को तोड़ना चाहते हैं, परंतु यह उनके अहंकार के कारण है। उनके अहंकार जैसे कि क्रोध से, नफरत से, विद्रोहशीलता से और अपनी ओर ध्यान आकर्षण करने के लिए वे ऐसा करते हैं। यह तार्किक बुद्धि से बाहर निकलना नहीं है। हालांकि वे ऐसा सोचते हैं कि वो तार्किक बुद्धि से परे हैं, किंतु वे ऐसा तार्किक बुद्धि से परे होकर नहीं, बल्कि क्रोध, नफरत, विद्रोहशीलता और अपनी ओर ध्यान आकर्षण करने के अहंकार से ऐसा करते हैं। तार्किक बुद्धि से हम तब बाहर निकलते हैं जब हम कुछ ऐसा कहते हैं, ऐसा करते हैं जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। जब कोई उद्देश्य नहीं, तब वह कार्य खेल बन जाता है और तब हमारा जीवन हल्का हो जाता है, कम वजनीय हो जाता है। यदि हम केवल विचारशील कार्यों में फंसे हों तो जीवन एक बोझ है। लेकिन यदि हम कोई खेल बिना जीतने या हारने के विचार से खेलते हैं, अथवा बिना उद्देश्य जोड़े यदि हम कोई काम करते हैं, अबोध होकर करते हैं, तो यह स्वतंत्रता है और यह स्वतंत्रता एक नृत्य की तरह है। गुरुदेव कहते हैं कि बस तार्किक बुद्धि से बाहर कदम रखो और तुम अत्यंत स्वतंत्रता पाओगे, एक अज्ञेय गहनता, और तुम वास्तविकता के सम्मुख होगे। वास्तविकता तर्क और तार्किक बुद्धि के परे है। जब तक हम तार्किक बुद्धि के परे नहीं जाते, तब तक हमारे अंदर सृजनात्मकता और दिव्यता पहुंच ही नहीं सकती है। गुरुदेव कहते हैं कि परंतु याद रखो, हमें आगाह करते हैं कि यदि तुम बिना विचारे कोई कार्य स्वतंत्रता पाने के लिए करते हो, तब तुम में पहले से ही कोई उद्देश्य है, तब यह अतार्किक नहीं है। तार्किक बुद्धि के अवरोध को पार कर स्वयं के लिए स्वतंत्रता पाओ, फिर देखो तुम्हारा जीवन एक नृत्य की भांति हल्का हो जाएगा। तुम वास्तविकता के सम्मुख होगे और तुम्हारे अंदर दिव्यता होगी। इस ज्ञान सूत्र को गुरुदेव ने 10 जून 1998 न्यूयॉर्क USA में बोला था। धन्यवाद।